आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को दी फोन पर गालियां, जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर गालियां देने तथा अश्लील बातें करने के विरोध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR करने के लिए जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पिछले कुछ दिनों से अलग अलग नंबर से अलग अलग विभाग का नाम लेकर फ़ोन किए जा रहे हैं और फ़ोन करने वाले फ़ोन पर इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं जिससे हम शब्दों में नहीं बता सकते। कुछ कार्यकर्ताओं के पास उनके मोबाइल में उन नंबरों से की गई बातों की रिकॉर्डिंग जो उस समय आने पर यदि आप चाहें तो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। कुछ रिकॉर्डिंग तो वायरल भी हुई जिस कारण हम महिलाओं की नारी लज्जा भंग हो रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि अज्ञात अपराधी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए एवं अपराधियों को पकड़ा जाए। अगर इन्हें नहीं पकड़ा गया तो पुलिस कार्रवाई नहीं की गई तो हम समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका किसी भी अन्य विभाग का कार्य नहीं करेंगे। साथ ही समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका अनिश्चितकाल की हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे जिसकी समस्त जवाबदारी पुलिस प्रशासन देवास की होगी। जिलाधीश को दिए गए ज्ञापन में मांग की गई है कि हम लोगों से अन्य विभागों का कार्य भी बिना किसी लिखित आदेश से हमसे करवाया जाता है, उससे भी जल्द से जल्द बंद किया जाए। वर्तमान समय में सुकन्या योजना में बालिकाओं का खाता खुलवाने हेतु सुपरवाइजर एवं CDPO द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं पर दबाव बनाया जा रहा है तथा बार बार मीटिंग ली जाती है जिसमें कार्यकर्ताओं को 10 से 80 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है जिसका किराया भी उन्हें खुद की जेब से देना पड़ता है। महिला बाल विकास संचालनालय का ऐसा आदेश नहीं है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सुकन्या योजना के खाते खुलवाए। हमारा काम सिर्फ हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने का है। बिना किसी लिखित आदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका से महिला बाल विकास के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग का कोई भी कार्य नहीं करवाया जाए। COVID-19 में कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि को एवं प्रमाण पत्र दिया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय मध्य प्रदेश शासन ने June 2018 से 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने October 2018 से 1,500 रुपये की बढ़ोतरी, कार्यकर्ताओं को 1,250 और मिनी कार्यकर्ताओं एवं 750 सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की थी जिसे आज दिनांक तक लागू नहीं किया गया। यह आंगनवाड़ी कर्मचारी के साथ घोर अन्याय है। October 2018 से एरियर सहित इसका भुगतान भी किया जाए। कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के लिए सन 2018 में घोषणा की गई थी कि रिटायरमेंट पर कार्यकर्ताओं को 1,00,000 तथा सहायिकाओं को 75,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन इसका आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं हुआ। इसके आदेश के शीघ्र जारी किए जाए। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ, भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रंजना राणा, जिला अध्यक्ष रानी सिंह, जिला मंत्री रुक्मणी यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष स्नेहलता गोड़, उमा तिवारी, जरीना खान, शर्मिला ठाकुर, ललिता मुजालदे, ममता मिश्रा, मीना पराड़कर, सोनू का दास, इंजीनियरिंग संघ के महेंद्र सिंह राणा, रामभान सिंह, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका रैली के रूप में SP ऑफिस तथा कलेक्टोरेट पहुंचकर जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा तथा सिटी कोतवाली में FIR दर्ज करवा कर अपराधी को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग की। आज अब आंगनवाड़ी वाले सब SP कार्यालय पहुंचे थे, क्या मांग को लेकर पहुंचे हैं? अभी पिछले कुछ दिनों से एक अज्ञात व्यक्ति हमें अलग अलग नंबरों से फ़ोन करके और बोलता है कि आंगनवाड़ी वर्कर से बात हो रही है हमारी। जब हम बोलते हैं कि हाँ हमारी आपकी बात आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से हो रही है तो फिर उधर से मतलब स्टार्टिंग में ही नंगी नंगी बातें बोलना स्टार्ट कर देता है, गालियाँ देता है और इतनी अश्लील बातें बोलता है कि वो हम बोल नहीं सकते। रिकॉर्डिंग है उन लोगों की। तो हमने सोचा कि पहले तो हम लोगों ने अपने ऑफिस में बात की, मैडम ने हमको आश्वासन दिया था कि हम SP साहब से बात कर लेंगे, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, 8-10 दिन हो गए। तो आज हम लोग ज्ञापन देने आए, ज्ञापन के माध्यम से हम SP साहब के संज्ञान में लाना चाहेंगे कि वो व्यक्ति हमें परेशान करना बंद करे और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या नाम बताता है जो फोन लगाता है? वो RK सिन्हा बताता है अपना नाम कि मैं जिला चिकित्सालय से RK सिन्हा बोल रहा हूँ, लेकिन वो RK सिन्हा नहीं है, हम लोगों को जानते हैं। ठीक है, अभी क्या आश्वासन दिया है साहब ने? सर ने आश्वासन दिया कि इसको साइबर सेल में देंगे और तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होगी और अपराधी को पकड़ा जाएगा। आपका नाम? रानी सिंह, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका महासंघ, जिला अध्यक्ष देवास।